नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। मतदान से दो दिन पहले हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए एक तरफ मारामारी है तो बीजेपी में टिकट ना मिलने की वजह से कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हरियाणा में दो उलटफेर देखने को मिले हैं। एक तो बीजेपी के नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी के सामने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यानी अब वो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर की चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन कांग्रेस में एंट्री अपने आप में सवाल खड़े करती है। दूसरी तरफ राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। वोटिंग से पहले ही हरियाणा की सियासत में ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ वोट का गणित ही नहीं, पद का गणित बनाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में मतदान से पहले का यह घमासान है, मतदान के बाद महाभारत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। सवाल यह भी है कि अशोक तंवर की एंट्री से कुमारी शैलजा को क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर को पार्टी में लाने के लिए आखिर जरूरत क्यों महसूस की गई है, और अचानक से हुई कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या राम रहीम की पैरोल किसी तरीके के समीकरण बदल सकती है हरियाणा के चुनाव में, क्योंकि 90 सीटों को लेकर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। महिमा सिंह है कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेजेपी के प्रवक्ता रतन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परविंदर सेठी जी हैं और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव भी चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन इंतजार करूंगी बीजेपी के प्रवक्ता का ज्वाइन करने का, उसके बाद में कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह का रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले परविंदर सेठी जी आप ही के साथ शुरू करती हूं, क्योंकि इन ट्विस्ट एंड टर्न के बीच में हरियाणा का चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प, किस तरीके के समीकरण एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप देखते हैं, और खास तौर से जो हरियाणा की रवायत रही है वहां की सरकार चुनने की, क्या आपको लगता है कि इतिहास बदलेगा इस बार, किस तरीके के बदलाव या क्या ऑन ग्राउंड आपकी स्टडी कहती है? देखिए, बिल्कुल, जो हरियाणा का चुनाव है ये बहुत ही रोचक होने वाला है और इसके अंदर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जवानों के साथ, किसानों के साथ और पहलवान महिलाओं के साथ जो व्यवहार कराया, उसके बाद उनकी स्थिति वहाँ पे डामाडोल दिखती है। और जिस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो अशोक तंवर हैं, लास्ट मोमेंट पे आके राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के साथ कराया, उसका खमियाजा उनको चुनावों में अलग अलग प्रांतों में जहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं किसान, जो हरियाणा की जगह हरियाणा में, और खास तौर पे जो पहलवान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन करा, उनको अपनी एफआईआर दर्ज नहीं होने पाई और उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद उनकी एफआईआर दर्ज होती है। तो जनता के पास एक ही हथियार रह जाता है, वो है चुनाव का समय। ठीक है, यानी कि आप बीजेपी की स्थिति को वहां पर कमजोर आंक रहे हैं। आपको लगता है महिला पहलवानों को लेकर जो जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें बीजेपी का स्टैंड उनके मुताबिक नहीं रहा। दूसरा, किसानों का आप मानते हैं कि मुद्दा बड़ा है। ठीक है, दूसरी मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जिन बैसाखियों के ऊपर वो चलती है, ये बड़ा बड़ा दुख होता है कि एक अपराधी जो संत के रूप में दुनिया को मूर्ख बनाता है। पर उनको तो कह दिया गया चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे, ये तो उनका इतिहास देखिए, बाहर उनके आने से ही आप लोगों का आकलन हो गया कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। चलिए, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी बार उनको पैरोल मिली है, चाहे पंजाब पोल थे, चाहे एमसीडी पोल थे, चाहे हरियाणा पोल थे या लोकसभा के चुनाव थे, आप पूरा डाटा 9 बार का देख लीजिए, जब जब चुनाव आए हैं तब तब उनको पैरोल मिली है। ठीक है, तो
ऐसे ठीक है, पॉइंट टेकन सर, जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर उसके बाद महिमा जी आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ जी, ये कहा जा रहा है और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बीते 10 से 12 दिनों में आपने बहुत कुछ हरियाणा की धरती पर ऑन ग्राउंड मैनेज करने की कोशिश की है, जो इससे पहले स्थिति आपकी डामाडोल दिख रही थी, लेकिन मैं पार्टी का एनालिसिस समझना चाहती हूँ, इसको लेकर क्या है और क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियां हैं भीतरघात बागी जो मुश्किल पैदा आपके लिए हरियाणा के चुनावी बिसात में कर सकते हैं? अनम्यूट करेंगे सिद्धार्थ जी, मैं माफी चाहूंगा पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट सर। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है। तीसरी बार हरियाणा की जनता फिर से, जो सुशासन की सरकार 10 साल में हरियाणा के अंदर आई थी, वो उस मॉडल को चुनने जा रही है। इसमें हरियाणा की जनता में, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है और उसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है। हरियाणा ने तो देखा है हुड्डा जी का वो शासन, जहां पे प्रताड़ना भी होती थी, दलितों, शोषितों, वंचितों को भी उत्पीड़न किया जाता था, जहां लूट खसोट की सरकार चली जाती थी, जहां पर गरीब, युवा, नौजवान जो अवसरों से जिनको वंचित रखा जाता था, और वहीं एक मूलभूत परिवर्तन करके गांव ग्रामीण का नौजवान युवा बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां पा पाया। मैं मानता हूं कि हम हरियाणा की जनता के दिलों में अपनी इस बात को पहुंचा पाए हैं और हरियाणा की जनता फिर से हम पे विश्वास जताते हुए हमको देने जा रही है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा पूर्णिमा जी, आज जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी तस्वीरें उनके साथ है, मोबाइल नंबर उनके फोन में है, उन पदाधिकारी के पास से 5,000 करोड़ से ऊपर का कोकेन बरामद हुआ है। ये मात्र चुनावों में इस्तेमाल होने वाले पैसे को लेकर के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई बात नहीं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे तस्करों से, अपने पदाधिकारियों से इस प्रकार से पैसा लेकर के चुनावों में उस पैसे का इस्तेमाल करने वाली थी? क्या वो जो कोकेन उनको मिला है, कांग्रेस पार्टी का उस पर स्टैंड क्या है? क्या जो कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? उनके आरटीआई सेल के चीफ, चेयरमैन, बड़े पदाधिकारी, अगर वो ऐसे ड्रग माफिया, ड्रग तस्करों के साथ खड़े होंगे तो मैं मानता हूं ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस पर सख्ती से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब देना इसका, चाहिए। इसका जवाब मैं महिमा जी से लूंगी, लेकिन जब आपने अपनी बातों का जिक्र किया और मैंने बागियों को लेकर सवाल पूछा, तो आप ये भी जानते हैं कि 15 सीटें तकरीबन ऐसी रही जिस पर आप लोगों की तरफ से तमाम प्रयास किए गए कि आपके पार्टी के बागी हट जाएं, लेकिन वो वहां पर डटे रहे और यही वजह रही कि अमित शाह से लेकर इंद्रजीत तक को कहना पड़ा कि सभाओं के दौरान कि आप बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं, आप कमल के निशान को देखकर अपना वोट दीजिएगा। उस बात को आप सिद्धार्थ जी मेंशन करना भूल गए। महिमा सिंह जी, अपना काउंटर आप रखेंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आज एक नया दांव अशोक तंवर के तौर पर खेला गया है या उनको पार्टी में वापस लाया गया है, जाहिर है कि उन्होंने वो कहीं ना कहीं 9 सीटों पर एक इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। एक दलित चेहरा है, वो एक वोट बैंक आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी कांग्रेस अपनी हरियाणा में क्या कैसी देखती है? क्योंकि ऑन ग्राउंड ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में गिरा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट सजेस्ट करती है। महिमा जी, जय हिंद। जय हिंद। बड़ी उम्दा चर्चा आप कर रही हैं आज, और आज का जो आपका शो है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़े जायज तौर पर एक ऐसे मुद्दे की बात करती है जिसके बारे में बड़े तरीके से पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता जता रही थी दलितों को लेकर के, जो सबसे ज्यादा दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है, वो हमारे पार्टी के दलित नेताओं की चिंता करते करते अपनी पार्टी के दलित नेताओं को गंवा बैठी और उन्होंने आ जाकर के कांग्रेस का दामन थाम लिया और जो भटके हुए थे वो वापस अपनी राह पर वापस आ गए। लेकिन आप पूछ रही हैं इससे हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा का चुनाव तो पिछले, मैं समझती हूँ कि कई महीनों से वो जो गर्मजोशी जवान पहलवान किसान में दिख रही थी, उनके विरुद्ध जो नीतियां बनाई गई और उनके ऊपर थोपी गई इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा, वो उसके माहौल उसके खिलाफ पहले से बन चुका था। और हरियाणा का चुनाव कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रति और न्याय के प्रति परवाज चढ़ रहा था, उसी तरह से आज भी चढ़ रहा है और इसी तरह से उसके नतीजे 8 तारीख को आप देखेंगे। 2 दिन के बाद वोटिंग है हरियाणा के जो कृषि प्रदेश है उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि वो जो माहौल है
उसमें ये इस बात का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ भाजपा को एक बहुत बड़ा धक्का जरूर लगा है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में दलित हित की बात करने वाले अपनी पार्टी के दलित नेताओं के साथ शायद न्याय नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए आज अंतिम समय में उनका दामन छोड़ के भाग गए वो। रही बात हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय करने की, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय करने की बात करते हैं, तो हमें तो ये बार बार याद आता है कि जब 2014 में हम इस प्रदेश को सौंप के गए भाजपा के हाथ में, इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का कर्ज था, और आज वो कर्ज जो है बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। इस बात में सारा भ्रष्टाचार, सारा अन्याय समाहित है, बाकी की बातें आगे की चर्चा में जैसे आप पूछेंगे। लेकिन क्योंकि आपने अशोक तंवर का जिक्र किया और आपने उनके साथ साथ दलितों का भी जिक्र कर दिया, तो यही अशोक तंवर थे जिन्होंने इस बीती 1 तारीख को ही ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी कब दलितों का अपमान करना छोड़ेंगे। आज आपकी पार्टी को ज्वाइन करने से ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने बीजेपी के पक्ष में ट्वीट किया है, कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने की अपील उन्हीं की तरफ से की गई है। बहरहाल मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में सब कुछ संभव है, और पल पल बदलती राजनीति में कभी कोई किसी के साथ और किसी से जुदा हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए जब आपने उनका नाम लेकर मुझसे प्रश्न पूछा और ये कहा कि फायदा उठाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा हमारा चुनाव तो महीनों पहले तय हो चुका था, और जो कल स्थिति थी उससे बेहतर आज और कल होगी, लेकिन वो अपना दामन बचा करके, शायद उनके दामन में भाजपा में जो है आग लगी होगी अन्याय की। ठीक है मैम, तभी लेकिन, तो वो अंत मौके पर कांग्रेस का दामन सामने आए। जब मैं आपके पास फिर आऊंगी तो मैं जरूर शैलजा फैक्टर पर, हुडा फैक्टर पर आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले रतन शर्मा जी एक बार आपके पास आते हुए, जेजेपी कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है? सब तो अपने अपने हिस्से की मजबूती दिखा रहे हैं, एक समय ऐसा भी था जब आपकी पार्टी को किंग मेकर कहा जा रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका में आप नजर आए थे, और उसके बाद हरियाणा में इनकी सरकार बनी थी, लेकिन आज की स्थिति में जेजेपी कहां देख रही है अपने आप को? आपके कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं सर, चुनावों से पहले झटके पे झटका लग रहा है जेजेपी को। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। बताना चाहूंगा अभी कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रवक्ता आवाज बढ़ाएंगे सर की, बोलेगा दोनों ही प्रवक्ता दिखा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस भाजपा के पास प्रचार के लिए तो दूसरे राज्यों से बुलाते हैं, और जबकि चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट है वो लगभग दूसरी पार्टियों से लिए हैं। 8 तो जेजेपी के जो नेता थे वो चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ रहे, और बाकी कांग्रेस के भी काफी लोग तोड़ के, तो इनके पास तो इनको करियर लग रहा था कि भाजपा के लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए इधर उधर से नेता लेकर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी की देखिए कमजोरी देखिए, अगर ये जीत रहे होते तो जो एक व्यक्ति 1 घंटा पहले जो भाजपा का गुणगान कर रहा है वो 1 घंटे बाद उसको ज्वाइनिंग करा रहे हो, और उस व्यक्ति को हुड्डा साहब के PSO ने पीटा था और FIR तक दर्द नहीं होने दी थी, और उस व्यक्ति ने खुद बताया था कि मेरे को तो अभी भी दर्द रहता है जो है, और दलितों के सम्मान की जहां तक बात कर रहे हैं, इनको पीट के भगाया इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने। मिर्चपुर कांड 2005 में हुड्डा साहब के कार्यकाल में हुआ था, दलितों के घर फूंक दिए, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जहां तक ये किसानों की बात, अभी मेरी बहन कह रही थी कांग्रेस की, जब सत्ता के अंदर होती कांग्रेस तब किसानों के लिए कुछ नहीं करती। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक लागू नहीं करी, और वादे करते झूठे। अब हिमाचल में इनकी सरकार है, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन यही कांग्रेस आप लोगों को बीजेपी की भी टीम बताती है। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ की जितनी बाकी पार्टीज है वो सब बीजेपी की भी टीम है। हम तो दोनों पार्टियों से लड़कर आए थे, पूर्ण बहुमत हमारा जाता तो हम, लेकिन फिर साथ में सरकार भी तो बनाई थी ना सर, साथ में सरकार भी तो बनाई थी ना। लोकतंत्र में मैडम, लोकतंत्र में सरकार बनानी पड़ती है। महिमा जी 20 सेकंड में काउंटर रखिएगा, फिर बाकी 2 मेहमान है उनके पास भी जाऊंगी। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग, जिनकी पार्टी के नेता हरियाणा के पहले अग्निवीर बन गए, ये आज किसानों की बात किस मुंह से कर रहे हैं? इनके नेता ने तो किसानों को बीमारी बताया था, किसान आंदोलन को बीमारी बताया था, आज ये किसानों के हितैषी बनके दिखा रहे हैं। अपने बाप दादाओं के साथ दगा करने वाले, उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हरियाणा के आगे के भविष्य की क्या बात करेंगे? इनके लिए बेहतर होगा अपनी साख बचाएं, अपना सम्मान जितना बचाएं बचाएं। हुड्डा साहब ने किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए थे, वो चेकों की फोटो को प्याज, किसानों को बीमारी किसने बुलाया? किसानों को बीमारी बुलाने की हिम्मत कैसे की? जनता पार्टी बोलते हैं खुद को, किसानों को बीमारी किसने बुलाया था? किसानों को बीमारी बुलाया था कि नहीं? और बीमारी बुलाने के बाद आज कौन से 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की बात आप कर रहे हैं?
जिन्होंने किसानों को बीमारी बुलाया उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन में सड़क पर बैठा देती है, कांग्रेस पार्टी की इकलौती आवाज थी जो किसानों के हित में उठी पिछले तीन वर्षों में, जब आपकी ठीक है, क्योंकि किसान एक सबसे बड़ा वोट बैंक भी है, इसीलिए किसानों की आवाज। महिमा जी, हर पार्टी बताता है कि हम किसानों की आवाज है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले, क्योंकि कर्जे की चर्चा की थी, आपने थोड़ी देर पहले हरियाणा के कर्जे की चर्चा की थी जब आपने सो कॉल्ड सौंपा था बीजेपी को, तो ऐसे में फिर जब आप हरियाणा के कर्जे की बात करती है तो फिर हिमाचल का भी ख्याल आता है जो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा है, और ज्यादा कर्जा लेने के लिए अब उसके पास कुछ है नहीं, एग्जॉस्टेड है पूरी तरीके से वो। संदीप चौधरी जी, आपके पास आती हूँ। संदीप चौधरी जी से मैम एक टेक लेने दीजिएगा, फिर आपका काउंटर लूंगी मैं। संदीप चौधरी साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हरियाणा के चुनाव में, इस बार कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प चुनाव है और शायद बहुत कुछ लास्ट मिनट तक पता नहीं चल पा रहा है कि होने क्या वाला है। देखिए पूर्णिमा जी, जब सेनापति बदले जाने लगे तो आपको याद होगा जैसे महाभारत में सेनापति बदलते चले गए कौरवों के, लेकिन वो युद्ध नहीं जीत पाए, तो खट्टर साहब गए, फिर सैनी साहब आए, और अब इनकी सेना के बड़े बड़े योद्धा जिस तरीके से अशोक तंवर छोड़ के पार्टी चले गए, और अशोक तंवर के साथ एक व्यक्ति के गले में ओट पटका डाला जा रहा है। आपको पता है बीजेपी के युवा सबसे बड़ा चेहरा है सुनील राव, जिसको आम आदमी पार्टी ने अकेली से टिकट भी दिया है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का टिकट छोड़कर, बीजेपी का टिकट छोड़कर आज कांग्रेस का पटका उन्होंने पहन लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है या दूसरे दल है, वो बहुत पीछे जा चुके हैं। और आपको अंदर की बात बताऊं, सुनील राव, राव इंद्रजीत सिंह के, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके बहुत नजदीक लोगों में से आते हैं, साउथ हरियाणा से आते हैं। तो अगर कांग्रेस ने यादवों में भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है तो सोचिए क्या हासिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर हम देखें तो कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी है, और कांग्रेस के कुछ ही नेता जो बीजेपी में आपको यादव या दूसरे दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि बेटे बेटियों को टिकट दिए गए, अदरवाइज वो भी अपनी जगह पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस साहब है, और राजनीति में घर वापसी का एक बड़ा ऑप्शन होता है, वो कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता रहे और खासतौर से एक सिर्फ उटब्बल भी टिकट बंटवारे के दौरान, और मैं बार बार सर बागियों का जिक्र इसीलिए कर रही हूं, नाराजगी पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा नजर आई, आपने उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने उसको कई बार उठाया, फिर चाहे वो महिला खिलाड़ियों का मुद्दा हो या फिर किसानों की नाराजगी हो या फिर जाटों की नाराजगी बीजेपी से हो, बीजेपी को क्यों लगता है कि वो कन्विंस शायद नहीं कर पाई उस तरीके से इन वोटर्स को कि आप उनके साथ हैं और वो आपके साथ रहे। देखिए पूर्णिमा जी, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि हम कन्विंस नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल लगता है कि हम कन्विंस कर पाए और हरियाणा की जनता हमसे कन्विंस है, क्योंकि ये जो झूठ की दुकान है ये लंबी नहीं चल सकती। पहले तो मैं आपके शो पे बड़ी शांति से सबको सुन रहा था, पर एक बात जिसका जवाब नहीं आया और युवाओं को बर्बाद करने वाली जो बात थी, वो जो कोकेन पकड़ा गया है पदाधिकारी का, मैं उस बात को बस दोहरा के छोड़ देता हूं, मुझे पता है कांग्रेस की प्रवक्ता उसका जवाब नहीं देंगी। पर आपने मुझसे प्रश्न बागी लोगों को लेकर के पूछा। देखिए पूर्णिमा जी, 90 विधानसभाएं और हर विधानसभा पे एक ही कैंडिडेट उतर सकता है, तो किसी भी पार्टी के लिए चुनौती होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को संतुष्ट करे, पर एक किसी कैंडिडेट को, अपने मजबूत प्रत्याशी को नीचे उतारे। बाकी हर पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में भी थे, राजेश जून, डॉक्टर कपूर बड़ौदा से, बहुत से बागी निकले, अलग से जाकर के चुनाव लड़ने लगे कांग्रेस की खिलाफत करने। नहीं, अशोक तंवर को लेकर क्यों नहीं रोक पाई सर आपकी पार्टी? आप सोचिए ना, आज चुनाव प्रचार अब 6 बजने के साथ खत्म हो गया है, वोटिंग होने में 2 दिन बाकी है, राहुल गांधी से सवाल पूछने वाले वो, आपकी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाले वो, अब खड़े हैं वो कांग्रेस के साथ। देखिए पूर्णिमा जी, ये प्रश्न तो अशोक तंवर से पूछ लीजिएगा, पर अशोक तंवर जी से तो जिसका जवाब देंगे, पर कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर पूछिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अशोक तंवर जी सबसे कम समय रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे, टीएमसी में भी रहे, कांग्रेस को छोड़कर के कई जगह गए थे, पर जब जैसे ही जिस दिन वो कांग्रेस को छोड़कर के गए थे उस दिन अशोक तंवर सबसे खराब थे, उनको अपनी पार्टी में पीट पीट के भेजा। आज अशोक तंवर जी लौट के आ गए तो अच्छे हो गए हैं क्या, ये भी जरा पूछ लीजिएगा। जो कोई कांग्रेस को छोड़कर के चला जाए वो सबसे खराब, उससे खराब तो कोई होता नहीं, और वापस आ जाए तो वो सबसे अच्छा, ये नीति कब तक चलेगी? और क्या अशोक तंवर जी के वापस आने से हरियाणा की जनता मिर्चपुर का कांड भूल जाएगी? क्या हरियाणा की जनता भूल जाएगी कैसे हर 18वें मिनट में दलितों पर अत्याचार होता था? ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की रिपोर्ट है, 2013 में छपी थी, क्या 18वें मिनट में होता था दलितों पर अत्याचार? कैसे कुमारी शैलजा कहा करती थी कि हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली? चलिए ये अच्छा हुआ कि आपने साल का जिक्र कर दिया, हरियाणा, ये अच्छा हुआ आपने साल का जिक्र कर दिया,
वरना ये भी बहुत ऑब्वियस हो जाता। नहीं नहीं 2013 की बात है, इसीलिए मैंने कहा इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा जी विपक्ष में रह करके दलित सम्मान की बात करना बहुत आसान है, पर जब आप सत्ता में हो और हरियाणा के शासन में 42% दलित बच्चों को अलग पंक्ति में सरकार बैठवाती हो स्कूलों के अंदर, 38% स्वास्थ्य कर्मी दलितों के गांव में ना जाते हो, अगर ये बात आपके यूनियन मिनिस्टर कहती हो, हम नहीं कह रहे, ये इनके यूनियन मिनिस्टर कहा करती थी, उनकी मीडिया रिपोर्ट थी, वो कहती थी हरियाणा में दलित होना पाप है, कुमारी शैलजा टेक्स ऑन हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर दलित किलिंग्स, ये अखबारों में छपा करता था। तो जब आप सत्ता में थे तो आपने दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, नौजवानों को, सबको ठगने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। विपक्ष में आई तो बहुत अच्छी बातें याद आई आपको, विपक्ष के लिए नहीं आपको सत्ता के लिए याद किया जाएगा। आज हिमाचल के अंदर कैसे आपने पूरे हिमाचल प्रदेश को आपने खोखला करने का काम कर दिया, ये हरियाणा की जनता दिखती है, हमारे तो पास का प्रदेश है, हमें पता है कि हमें हरियाणा को वहां नहीं जाने देना है, इसलिए आज अगर हरियाणा खुशहाली की राह पर है, आज अगर हरियाणा एक स्वावलंबन बनने की राह पर है, आज एक स्वाभिमान की राह पर है, तो उसको ये हुड्डा जी की साजिश और कांग्रेस पार्टी की साजिश। महिमा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। महिमा जी, जो अभी कोकेन का जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब अगर आप देना चाहें। और दूसरा, मैंने जब इस कैंपिंग की बात की, ये कांग्रेस में बड़ी समस्या है मैम कि हमेशा अलग अलग कैंप नजर आने लगते हैं। हुड्डा से नाराजगी के चलते ही आपके अशोक तंवर बाहर निकले, कुमारी सैलजा को अब मनाते 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 भी अभी तक मना नहीं पाई, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, शायद कोई आश्वासन दिया गया होगा, मैं नहीं जानती मैम, वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी, लेकिन बात यह है कि ये जो गुट अलग अलग बनने लगते हैं, क्या पार्टी इसीलिए इस पर चुप रहती है कि चलिए कुछ इससे फायदा शायद मिल सकता है वोटर्स के पर्सपेक्टिव से, हो सकता है कुछ हुड्डा को पसंद करने वाले उनके कैंप के लोग हों वोटर्स में, कुछ सैलजा वाले भी हों, तो पार्टी को तो फायदा मिलेगा उससे, ऐसा है क्या? सबसे पहली बात तो पूर्णिमा जी, आपने अफीम की और कोकेन की अभी जो बात की, ड्रग्स की जो बात की, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि जवाब बहुत दिनों से पेंडिंग है, कई सालों से पेंडिंग हो गए। अब जब गुजरात के बंदरगाहों पर 3,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और उन अडानी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अच्छा किया मुद्दा याद दिलाया, क्योंकि अभी पिछले वर्ष जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, और उससे पहले ये सबूत के साथ सामने आई थी बात कि जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, कनाडा के अंदर उनकी 10,000 करोड़ की अफीम की खेती है, उसके ऊपर केंद्र सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आया था, आज तक उसका जवाब वांछित है, हम इंतजार कर रहे हैं, ये जवाब जरूर आ जाए भाजपा की तरफ से, ये अच्छा किया ये मुद्दा लेकर आए। और अगर इसी तर्ज पर बात करते रहे तो आज की आपकी चर्चा जो हरियाणा चुनाव पर होनी है वो भाजपा और ड्रग्स के प्रेम के ऊपर चली जाएगी, इसलिए उस पर नहीं जाते। अभी मैं आप जो मुद्दा दूसरा बोल रहे हैं, उन्होंने आपके पर्सपेक्टिव से जो कोकेन वाला सवाल पूछा कांग्रेस को लेकर, आपने गुजरात की तो बात कर दी, बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छा किया उसकी बात की, मैंने कहा एक मिनट पूर्णिमा जी, मैंने कहा ये सवाल आज उठे हैं, आज कांग्रेस से बुलंद आवाज में जवाब मांगना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगी, मैं अभी इसी शो पर जवाब दूंगी, उससे पहले ये 3,000 करोड़ के जो ड्रग्स गुजरात के बंदरगाहों पर मिले, एक बार नहीं कई कई बार मिले, और जो नरेंद्र तोमर के 10,000 करोड़, तब आप जवाब देंगे उस पर, जब आपको वो जवाब मिलेगा तब आप इस पर जवाब देंगे, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं, जो लोग आज रखेंगे सिद्धार्थ जी को और महिमा जी को साथ में रखेंगे, जो सत्ता पूर्णिमा जी कब पूछेंगे, जब पदाधिकारी पकड़ा गया तब ही पूछेंगे, इस तरह से चर्चा करेंगे, आपने मुझे अवसर दिया, मुझसे बात पूछ रही हैं, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ, उत्तर ले लीजिए। नहीं नहीं, उन्होंने एक सवाल किया, वो उस सवाल का उत्तर आपसे मांग रहे थे, और मैंने कहा कि अगर आप देना चाहें तो, अगर आप देना चाहें तो, अगर आप नहीं देना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा जी, तो कह दिया था कि नहीं देंगे, मैंने तो बकायदा उत्तर दिया, ये तो भाजपा के प्रवक्ता साफ साफ बता रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर से जो हवाएं उड़ रही हैं गुजरात की बात करके, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे सुना नहीं, कलह की बात जब कर रही हैं तो मुझे हाल ही में हुई नड्डा जी की रैली याद आ गई, जिसके अंदर ना तो रामिंदरजीत सिंह दिखाई दिए, ना राम विलास शर्मा दिखाई दिए, कविता जैन के आंसू भी याद है हमें, और इनके तमाम जितने जो नेता जो एक एक करके कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा का दामन छोड़ करके, और जैसा आपने उचित तौर पर बताया कि जब मना नहीं पाए अपने कैंडिडेट्स को जो इंडिपेंडेंट्स की तरह खड़े हुए हैं आज आजाद उम्मीदवार, मैंने ये भी कहा था, मैंने महिमा जी साथ में ये भी कहा था कि वही अशोक तंवर हैं जो अभी पिछली 1 तारीख को ये बोल के चुके हैं कि कब तक राहुल गांधी दलितों का अपमान करेंगे,
मैं ये कह रही हूँ कि फिर जब आप एक किसी के बयान पर जाएंगी तो फिर इनका भी बयान आपको जिनको आज आपने पार्टी ज्वाइन करवा ली, खैर मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। शैलजा, कुमारी शैलजा, उनकी नाराजगी और हुड्डा से नाराजगी के बाद अशोक तंवर का जाना, वापस आ जाना, ये जो कैंपेन की बात है उस पर मैं आपसे टेक लेना चाहूंगी। सुन तो लीजिए, बोलिए। पहली बात तो ये कि बार बार जब ये बात आ रही है कि हमें अशोक तंवर को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई मुझे लगता है ये तो सबको स्पष्ट है कि हमारी तो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी जी अपने प्रचार में व्यस्त थे, अब अशोक तंवर जी आए मंच पर और आकर के उन्होंने कांग्रेस, भाई घर में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको उसका तो स्वागत किया जाता है ना, हमने स्वागत किया घर में आने वाले व्यक्ति का, इनका घर छोड़ के क्यों भागना पड़ा उन्हें, जवाब तो इस बात का लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर ना तो कोई अंतर कलह है और ना किसी तरह का कोई पक्षपात है। कुमारी शैलजा के इंटरव्यू सुनिए मैम, अगर आपने नहीं सुने होंगे तो मैंने सुने महिमा जी, बिल्कुल सुने कुमारी शैलजा के इंटरव्यू, मैंने सुने हैं, मैंने तो इंटरव्यू खुलकर है और उनकी खुलकर है गुटबाजी, खुलकर है कैंपिंग। हुड्डा ये कह रहे हैं मैं आखिरी बार बीजेपी के साथ दो दो हाथ करना चाहता हूँ, वो भावनात्मक अपील करते हैं, लेकिन हमसे नाराजगी रखने वालों का भी एक बड़ा धड़ा। हम लोग सुनिए पूर्णिमा जी, हम लोग तंत्र के हिमायती लोग हैं, हम लोग तंत्र के हिमायती लोग हैं, वी अग्री टू डिसअग्री, वी आर नॉट लाइक बीजेपी। बीजेपी में जिस तरह से मैंने आपको बता दिया ना, राव इंदरजीत सिंह दिखाई देते हैं, ना वहां पर आपको रामविलास शर्मा दिखाई देते हैं, अनिल विज की नाराजगी अलग, कैप्टन अभिमन्यू की नाराजगी अलग, कविता जैन के आंसू अलग, तो ये बताइए जरा, हमारे यहाँ तो खुल के बात होती है, हमारे यहाँ तो आलोचना भी खुल के होती है और असहमति भी खुल के होती है, फिर भी साथ खड़े होते हैं। हरियाणा में ये बात है, देखिए बैठना भाइयों का, सुनिए हरियाणा में कहावत है बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, हमारे यहाँ पे जो कुड़वाए कट्टे बैठते हैं चाहे असहमति हो चाहे सहमति। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए महिमा जी, जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद सेठी साहब हेडलाइंस के बाद आपके पास। अब ये महिमा जी को क्या हो गया, गलतफहमी हो गई थोड़ी, तो मैंने सोचा फोटो दिखा दूं, ये नड्डा जी मंच पर हैं, रामविलास शर्मा जी भी दिख जाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह भी दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे, महिमा जी जाके देखिए थोड़ा गौर करके देखिए। पर जब राहुल गांधी आए थे 26 तारीख से पहले तो मुझे वो दिखाइएगा कि कब कुमारी शैलजा गई थी, आज चुनाव प्रचार छोड़कर के कुमारी शैलजा गई हुई है दिल्ली और दिल्ली भ्रमण करने लग रही है, दो रैली के अलावा उन्होंने कभी करा नहीं उनको क्या। अब सुनिए महिमा जी, अभी आप लोकतंत्र को मत समझाइएगा कि बहुत अच्छा लोकतंत्र है, क्योंकि अगर एक दलित नेत्री को महिमा जी सुन लीजिए, अगर एक दलित नेत्री को कहना पड़ जाए कि मुझे खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि मुझे मैंने मुख्यमंत्री की दावेदारी करी थी, तो आप ये किसको समझाना चाहते हैं, आप किसको समझा रही हैं महिमा जी, कोई नहीं समझ रहा आपसे। अब आपकी गुटबाजी आप जाने, हमें आपकी गुटबाजी से मतलब नहीं है, पर अगर ये दल को आपकी पार्टी का होता तो बात अलग है, ये हरियाणा के दलितों का, शोषितों का, वंचितों का दर्द है। अगर अपनी पार्टी के दलित सम्मान की बात करें, एक बार को शांत कराना पड़ेगा, मैं सुन रहा था इनकी बात, दलित सम्मान कर लेते तो आपके नेताओं को छोड़कर के भागना ना पड़ता आज अंतिम समय में। अभी हो गया महिमा जी, मैं बोलूं अभी आपको बहुत खुशी है, कल तक आप बोल रहे थे अशोक तंवर जी को, सिद्धाजी हमारे यहाँ की दलित नेता तो हमारी, ठीक है महिमा जी प्लीज रुकेंगे, सिद्धाजी अपनी बात को 20 सेकंड में सर पूरा करेंगे, फिर सेठी साहब आपके पास आऊंगे। मैं पूर्णिमा जी बस 10 ही सेकंड में पूरा कर दूंगा, इनके पार्टी की गुटबाजी है, इनको मुबारक हो, पर अगर ये दर्द मात्र एक नेत्री का होता तो बात अलग थी, ये दर्द हरियाणा के हर उस जन का है जिन्होंने इनका काल देखा, कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे जा रहा है, भाग रहा है उनका काल, हरियाणा की जनता याद कर रही है, देख रही है, जवाब मांग रही है, जब राहुल जी प्रियंका जी आ रहे हैं तो जीजा जी की जमीन मांग रही है, जब हुड्डा जी को देख रहे हैं तो मिर्चपुर का हिसाब मांग रही है, हरियाणा की जनता मांग रही है कि अब वापस हमारे साथ वो मत करना जो आपने 10 साल किया था, इसलिए महिमा जी चाहे कितना भी गोल गोल घुमा लें पर ये इन सवालों से वो कभी नहीं भाग सकती, जनता बहुत समझदार है, इनके नेता सुरजेवाला जी हो सकते हैं कहते होंगे कि राक्षस है यहाँ के वोटर जो भाजपा को वोट देते हैं, पर ये जो देव तुल्य जनता है ये इनको हिसाब इनका बराबर करके इनको जवाब देने का काम करेगी। ठीक है सेठी साहब जल्दी से आपके पास आते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी पार्टी सत्ता के अंदर होती है, जिस प्रदेश के अंदर चुनाव होता है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है कि उन्होंने महंगाई के ऊपर क्या करा, रोजगार के ऊपर क्या करा, उन्होंने किसानों के लिए क्या करा, जवानों के लिए क्या करा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करा। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए कि 2016 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, अगर कुछ हुआ होगा तो जनता ने उनको जवाब दे दिया, आपको सत्ता में बिठाया, आपने क्या करा, आपने तो कीलें ठोक दी किसानों के लिए, किसानों के 750 किसानों
की जो मृत्यु हुई है उसका खमियाजा आपको आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी, आपने खिलाड़ियों का इतना अपमान करा, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, और जो व्यक्ति दोषी था उस व्यक्ति को आपने आज तक पार्टी से नहीं निकाला। उसके बाद आप जो राम रहीम गुरमीत राम रहीम है उसकी बैसाखियों पे चल रहे हैं, आप उसका समीकरण बता रहे हैं कि उनके इतने फॉलोअर हैं। जिस व्यक्ति ने दो महिलाओं का रेप करा, जिस व्यक्ति ने अपने शिष्यों को नपुंसक बनाया, जिस व्यक्ति ने जो एक पत्रकार थे जो जिनकी हत्या करी उसके ऊपर उनको 20 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई है, राम रहीम पैरोल पे बाहर आ गए। नहीं, पैरोल 9 बार पैरोल कैसे? नहीं नहीं, अभी पूछ रही हूँ, अभी पूछ रही हूँ, बाहर आ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं आप समझिए मैं किस तरफ जा रही हूँ, मैंने इसीलिए पूछा, बाहर आ गए अभी? नहीं, बाहर आ गए, एक मैसेज जाता जनता के पास कि अगर आप जनता को आप एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आप साथ हैं तो आप जितना मर्जी क्राइम करिए आपको पैरोल भी मिलेगी, आपको सजा भी काफी माफ हो जाएगी, और आपके साथ सारा सारी चीजों को रौंद कर आपको आगे लाया जाएगा। ये जनता में बीजेपी का पर्सपेक्टिव बताया जिसका जिक्र आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी किया था, जो मैंने महिमा जी से सवाल पूछा, ये जो हुडा के अपने समर्थक, फिर उसके बाद कुमारी शैलजा है, ये जो दो गुट हैं, ये भी तो क्या कांग्रेस के लिए कोई स्थिति को डैमेज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आपको लगता है? मैडम, जब बड़ी पार्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे विचारों की या आपस में मतभेद होते हैं, जब वो मतभेद बंद कमरे में बैठकर सॉर्ट आउट होते हैं तो उससे पार्टी को भी फर्क नहीं पड़ता। जो हरियाणा की जनता है वो ये फैसला करेगी कि हमें कांग्रेस के साथ जाना है, हमें बीजेपी के पास साथ जाना है, आम आदमी के साथ जाना है, या दूसरी जेजेपी जो उनकी बी पार्टी है। जब उन्होंने देखिए, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने का मतलब है कि उनका टोटल फेलियर है कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। ये जनता में एक मैसेज जाता है, और जब उन्होंने देखा कि किसानों ने उनको माफ नहीं करा, किसान उनसे नाराज हैं, तो जेजेपी को बोला कि आप अलग से चुनाव लड़िए, अगर आप कुछ सीटें ले आएंगे तो फिर मिल जाएंगे। जितना मैं समझती हूँ उस पर रतन जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपके महासचिव से एक बार एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने मुझे इस बात का जिक्र किया कि हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था और उसमें एक पॉइंट पर आकर एक ऐसे मतभेद बने दोनों ही पार्टियों के बीच में कि जेजेपी उनके साथ नहीं रह पाई। लेकिन इसके अलावा अगर बार बार आप परविंदर सेठी साहब भी कह रहे हैं कि आप बी टीम हैं तो चुनावों के बाद की संभावनाएं हैं क्या कुछ? परम सेठी जी को बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वो झूठ की राजनीति करते हैं। अमेरिका में कहते हैं कि भाई सिखों को गुरुद्वारा में नहीं जाने दिया जाएगा, पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, सेठी जी बैठे हुए पगड़ी पहने, कड़ा नहीं पहने दिया जा रहा। 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है और आपके लीडर कोई जवाब नहीं देते, आपकी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। एक बार सुनेंगे, एक बार नहीं, आप बताइए क्या आप पगड़ी पहने हुए हैं, क्या आपको दबाव है कोई पगड़ी का, पगड़ी पहने उतारने का कोई दबाव है, कड़ा पहने हुए हैं आप, और आपको गुरुद्वारा में कोई रोका जा रहा है? नहीं, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं तो एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जब 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है तब तब दुष्यंत चौटाला जी कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि बीजेपी के उनको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, आप पगड़ी पर झूठ के ऊपर राजनीति कर रहे राहुल गांधी जी। 2024 में कहा लोकसभा चुनाव में कि आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा, और अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि समय आने पर आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या स्टेटमेंट है ऐसे नेता के ऊपर? आपसे ये प्रश्न करा गया है कि चुनावों के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, मर जाओगे अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं तो? दोनों से ही 2019 में भी लड़के आए थे और कांग्रेस और पार्टी दोनों से लड़के आ रहे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे चुनाव के बाद, बिल्कुल क्लियर कर दिया दुष्यंत चौटाला जी ने, हम कोई समर्थन नहीं करेंगे ना कांग्रेस का। चलिए, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अब वक्त बताएगा कहां राजनीति लेके जाती है। ठीक है, संदीप चौधरी जी आप कुछ बीच में जोड़ना चाह रहे थे सर। हाँ पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीजेपी प्रवक्ता बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, लेकिन इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या बात कहनी है। जैसे इन्होंने ड्रग्स की बात की, देखिए बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ड्रग्स लेके गोवा में मारी जाती है, बीजेपी की वहां पे सरकार है। आप ऐसी ऐसी चीजें आप निकाल के लाते हैं, आप सेल्फ गोल कर लेते हैं। तो इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ताओं को इसे अपना थोड़ा पढ़ के आना चाहिए, समझना चाहिए कौन से मुद्दे को छेड़ना है, कौन से को नहीं छेड़ना है। जो नए नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, जानकारी की कमी है, वो बीजेपी की कहीं ना कहीं फजीहत करा रहे हैं।
ठीक है, जल्दी से सिद्धार्थ जी आपके पास आते हैं, महिमा जी फिर अपना काउंटर रखिएगा, लेकिन एक सवाल के साथ आना चाहती हूं मैं सिद्धार्थ जी, चेहरा कौन अगर सरकार बनती है तो? देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि आजकल मुफ्त की नसीहत टीवी चैनल्स पे बहुत मिलने लग गई है, तो कौन कितनी कहां क्या नसीहत करा रहा है और पार्टी को कैसे काम करना चाहिए वो भी पत्रकार हमें सलाह दे रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। अभी हमसे चेहरा पूछा जा रहा था, पूर्णिमा जी हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर जिसने अपना चेहरा सीएम फेस डिक्लेयर किया है, जो एक डिक्लेयर्ड सीएम फेस के साथ चुनाव में गए हैं, नायब सिंह सैनी जी 8 तारीख को परिणाम आने के बाद अपना मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन ये आपकी, लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रेटजी के बहुत इतर है सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप लोग करते नहीं है ऐसा। नहीं पूर्णिमा जी, हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्ट्रेटजी रखते हैं और इसी स्ट्रेटजी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का मैनेजमेंट और जिस प्रकार के अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ करके चुनाव लड़ने की कला को जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अच्छा एक परिणाम आता है। ठीक है महिमा जी, एक सेकेंड, पहले सिद्धार्थ जी की बात अभी बाकी है। सिद्धार्थ जी डिस्कनेक्ट हो गए शायद, सिद्धार्थ जी ठीक है, एक बार फिर से उनको रिकनेक्ट करेंगे। महिमा जी सेम सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में खुद को पा रहे हैं, चेहरा कौन होगा सीएम का अगर आपकी पार्टी जीतती है तो? आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी पूर्णिमा जी, मगर उससे पहले क्योंकि दो अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने अपना हाथ खड़ा किया और दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहनी आवश्यक है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जब बार बार ये बात उठी कि कुमारी सैलजा आज कहाँ गई हुई थी, चुनाव छोड़ करके क्यों गई हुई थी, तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस जो है बड़ी अनुशासन वाली संगठन वाली पार्टी है और ऐसे में ये देखना चाहिए कि कुमारी सैलजा तो अपनी ही वरिष्ठ नेता के पास मिलने गई हुई थी सोनिया गांधी के पास, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर से जो दलित नेता है जिनके सम्मान की बात ये कर रहे हैं वो तो इनकी पार्टी छोड़कर हमारे नेता के पास आ गए, राहुल गांधी जी के पास। दूसरी बात यह कि जजपा के प्रवक्ता पगड़ी की बड़ी बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की पगड़ी समाज में उछाल दी हो पिछले चुनाव में और हरियाणा की जनता की पीठ में छुरा घोंपा हो, वो कह रहे हैं हम दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इन्हें बिल्कुल ये बात कहते हुए जरा सा भी ग्लानि नहीं हो रही कि हरियाणा की जनता ने इनको भाजपा की नफरती राजनीति के खिलाफ वोट दिया था पिछली बार, लेकिन उसी उनके पीठ में छुरा घोंपते हुए अपने बुजुर्गों की पगड़ी उछालते हुए उन्हीं के साथ सरकार बनाई और उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो सबने देखा। अब आपके महत्वपूर्ण सवाल पर आती हूँ कि हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब बड़े उपयुक्त तौर पर पिछले 4 दिन में यात्रा करते हुए पूरे हरियाणा में राहुल गांधी जी ने बार बार हर मंच से दिया है कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जैसे कायदे से लोकतंत्र में विधायक दल के द्वारा चुना जाना चाहिए, संगठन के द्वारा चुना जाना चाहिए, वैसे चुना जाएगा, लेकिन किसी एक का नहीं 36 बिरादरी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस बात में मुझे लगता है कि लोकतंत्र के हिमायत करने वाला जो हमारा हमारी मानसिकता है वो स्पष्ट दिखाई देती है और हरियाणा की जनता आतुरता से इंतजार कर रही है उस दिन का। लेकिन वैसे वैसे ऑन अ लाइटर नोट, उनके मुद्दों का ऑन अ लाइटर नोट महिमा जी, वैसे इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, उम्मीदें सबकी बनी रहनी चाहिए, फिर चाहे वो कुमारी सैलजा हो या हुड्डा साहब हो या खुद रणदीप सुरजेवाला साहब हो, उम्मीदें बनी रहती है। पूर्णिमा जी ऑन अ सीरियस नोट कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मजबूत बरगद का पेड़ है जिसमें जितने तने हैं ना वो उतने मजबूत हैं कि उनके ऊपर ये 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना जो बरगद का पेड़ है वो टिका हुआ है और जो जड़ें हैं वो गांव-गांव इतनी फैली हुई है कि जनता जानती है कि उनका जो कल है उनका जो भविष्य है वो इसी पार्टी के। ठीक है सिद्धार्थ जी जल्दी से। पूर्णिमा जी एक छोटा सा जवाब, ये तो महिमा जी बड़ी समझदार है इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बरगद का पेड़ है, राहुल जी इनकी जगह भी प्रवक्ता होते तो कहते कांग्रेस पार्टी बर्गर का एक पेड़ है और पेड़ पे जो बर्गर उगते हैं उन पे बर्गर को हम पूरे हरियाणा को खिलाएंगे, क्योंकि हरियाणा में जाकर अगर आप अपने चैनल पर इस तरह की टिप्पणी की अनुमति दे रहे हैं पूर्णिमा जी और जाकर के मैं बहुत इस बात मैं महिमा जी एक बात का जवाब दे, बहुत आपत्ति है ये किस तरह महिमा जी एक बात सुनिए, हमारी पॉइंट टेकन, पॉइंट रेज्ड,
पॉइंट रेस महिमा जी, पॉइंट रेस जवान पहलवान के पॉइंट रेस महिमा जी, पॉइंट रेस अपनी ओछी मानसिकता दिखाने पर आ गए महिमा जी, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ठीक है, पॉइंट टेक है। सिद्धार्थ जी महिमा जी कह रही थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे प्रदेश में, अब खुद शैलजा जी कह रही है बेहतर टिकट हुड्डा जी को दिए, आठ मेरे को दिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा अलग बात है। पर मैं पूर्णिमा जी सिर्फ 20 सेकंड लूंगा, क्योंकि हमसे रिपोर्ट कार्ड पूछा जा रहा था कि कोई पार्टी अगर चुनाव में जाती है उसको रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। जब हरियाणा में हम शासन में आए थे तब जितनी एमबीबीएस की सीटें थी उसकी तीन गुना सीटें आज हो चुकी हैं। 9,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, 21,000 करोड़ का शिक्षा का बजट आज है, तो मात्र 2,500 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट था, आज वो 8,500 करोड़, 9,000 करोड़ के स्वास्थ्य के बजट पे वो जा चुका है। आज किसानों को सभी 24 फसलों पर एमएसपी अगर कोई दे पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पा रही है। डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में अगर कोई एमएसपी दे रहा है तो हम दे रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम किसी ने किया तो हमने किया। 2,000 प्रति एकड़ देने का पैसा किसी ने काम किया तो हमने दिया। मुआवजा सबसे ज्यादा और समय पर और डायरेक्ट अकाउंट में देने का काम किसी ने किया तो हमने किया। अगर सरकारी नौकरियां 86,000 10 साल में कांग्रेस पार्टी दे पाई थी और 1,43,000 भारतीय जनता पार्टी दे पाई थी तो हम चौबीस फसलों की बात कर रहे हैं। उन 24 फसलों में से कितनी हरियाणा में उगाई जाती हैं? अब रिपोर्ट कार्ड की जाएंगे और नारियल को ले आएंगे। दूसरी बात ये महिमा जी और कांग्रेस पार्टी सबकी दिक्कत है, अगर मैं बोलता हूं तो बुरा मान जाती हैं। लेकिन साथ साथ सामने ना आ जाए, मेरे पास समय क्योंकि इतना ही है महिमा जी, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन क्योंकि आपने जिस कर्जे का जिक्र किया था शुरुआत में तो जाहिर है कि जब रतन जी मेरे पास समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आपने क्योंकि कर्जे का जिक्र किया था तो आप दोनों के मैनिफेस्टो में जितने वादे हैं उन मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने के लिए जितना पैसा लगेगा वो अगर हरियाणा इतने ही कर्ज में डूबा हुआ है तो वो कैसे पूरा करेंगे, ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है।